आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अदानी पावर स्टॉक के बारे में। ओवरऑल इस स्टॉक में एक वन साइडेड अपर ट्रेंड के बाद कल के ट्रेनिंग सेशन में हमने सॉरी लास्ट के ट्रेनिंग सेशन में हमने देखा कि से स्टॉक में लगभग 1% की गिरावट दिखी है और प्राइस 280 रुपए का ट्रेंड होते हुए दिख रहा है और ओवरऑल इस स्टॉक में अभी भी बाहर स्ट्रांग है। सेलर के कंपैरेटिवली देखें नहीं तो स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाना था। अगर आपकी बाइक 120-140 के आसपास का है, आप चाहें तो इस प्राइस पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं कि ये स्टॉक वीक लग रहा है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मार्केट इस समय वीक लग रहा है और मार्केट के अंदर एक शॉर्ट सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, जिसके कारण होता यह है कि जो 12,02,530 के बाहर है वो सीओडी से स्टॉक में प्रॉफिट बुक करते हुए दिखेंगे और मैक्सिमम चांस है कि इस स्टॉक में लोअर सर्किट भी दिख सकता है। अगर इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है तो 220-230 के लेवल से भी आगे दिख सकते हैं। इसलिए अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, इससे स्टॉक में एग्जिट करके 22,05,30 के लेवल के लिए वेट कर सकते हैं, नहीं अग्रेसिवली बाहर है। इस स्टॉक को इस प्राइस पे बाइक थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में करना चाहिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ग्लोबल क्लोज हाँ पॉजिटिव है, वहीं ग्लोबल क्लोज हाँ निगेटिव है, वहीं डोमेस्टिक क्लोज पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि जिस प्रकार से डॉक्टर जॉन नैस्डैक शंघाई सभी मार्केट ग्लोबल देखेंगे, शॉर्ट सेलिंग आते हुए दिखा है, इस मार्केट में भी असर आएगा। आगे निफ्टी 16,600 तक के लेवल्स को भी टच कर सकता है, इवन उस लेवल को ब्रेक भी कर सकता है। इसीलिए अगर चाहे तो पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिनका होल्डिंग मोर देन 2 ईयर है, वो इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। और ओवरऑल एक न्यूज भी ट्रेंड होते हुए दिख रहा है कि सोर्सेज ऑफ कोल जो कि पूरे नेशनल लेवल पे दिख रहा है, लगभग 42 ट्रेन्स को कैंसिल कर दी गई है क्योंकि कोल के सोर्सेज के कारण ये नेशनल वाइज कॉटेज दिख रहा है। डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इसलिए पोजीशन स्मॉल ले चुकी मार्केट थोड़ा करेक्टिव मूड में दिख रहा है और ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और होरिजन लॉन्ग टर्म में तो सीओडी पोजीशन बनाए रखें। थोड़ा बहुत कलेक्शन में गीत करने की गलती नहीं करना चाहिए।